we have to represent 1 upon 5 on number line, now at the power with y, the distance between 0 and 1 in 5 pixel power easily. सबसे पहले 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस हो उसको 5 इक्वल भाग यानी बराबर बराबर भागों में क्या करेंगे यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है. नाउ क्लियर वी राइट 1 upon 5 2 upon 5 क्लियर हो गया. यदि हमको देखना है तो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है, यदि यहाँ पे 5 रहता तो 5 इक्वल पार्ट पार्ट है, यदि यहाँ पे 6 रहता तो 0 और 1 के बीच के डिफरेंस को कितने बराबर भाग में बांटते 6 भाग में बांटते ठीक है. यदि यहाँ पे 7 रहता तो 0 और 1 के डिफरेंस को 7 इक्वल पार्ट ठीक है. और बाकी उसके बाद वजह कर देते हैं दोनों का टाइप का मान कहाँ है यहाँ. क्लियर हो गया. कोई कन्फ्यूजन सी है क्या इस क्वेश्चन से करें रिपल में 1 upon 1 नंबर है ठीक. और अगर एग्जाम्पल से जाए रिपल जाए 1 upon 1 नंबर लाने देन कच्चा पाव दुनिया का नंबर लाइन नाउ वी राइट 0 इन मिड पोजीशन ऑफ नंबर लाइन एंड देन राइट पॉजिटिव नंबर्स इन राइट साइड ऑफ 0 1 2 3 4 क्लियर. क्लियर. नाउ वी राइट नेगेटिव नंबर इन लेफ्ट साइड ऑफ 0 -1 -2 -3 -4 क्लियर. क्लियर. We have to represent 1 upon 2 number like now. 1 upon 2 where we divide the distance between 0 and 1 in 2 equal parts. How many equal parts? 2 equal parts because here the denominator is 2. Now 1, 2. Okay? Now we write here 1 upon 2. 2 upon 2 means 1. Clear हो गया. Here 1 upon 2 is by the number line. Have you any confusions? See. Next topic. No. Topic है over. Now we shall start solve exercise 7.1. We shall start solve exercise 7.1. Exercise 7.1. Question number first. Write numerator and denominator of each of the following fractions. यानी numerator and denominator बताना है. अभी हम बता रहे हैं जब भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वन टू का फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अब आपको ये मत सोच लीजिएगा केवल पी और क्यू ही यहाँ पे रहेगा ठीक है. यहाँ पे ए अपान बी भी हो सकता है, एक्स अपान वाई भी हो सकता है ओके, बी अपान सी भी हो सकता है. यानी हमको एक उसका जो फॉर्म बताना है उसका फॉर्म बताना है कि जो भी नंबर होगा यदि हमको कोई भी नंबर पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया मिलता है ठीक है, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा गया मिलता है और वहाँ पी और क्यू किसके एलिमेंट हों, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हों और क्यों बिना के तो क्या हो जीरो हो, तो ये जो नंबर होंगे यानी पी अपान क्यू जो नंबर होंगे वो क्या होंगे फ्रैक्शन होंगे. वहाँ पर पी और क्यू ये क्या कहलाता है न्यूमरेटर कहलाता है और ये डिनोमिनेटर कहलाता है ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन यानी जितने भी उसमें पार्ट किया है ये बेसिकली उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बता रहा है आपको. फर्स्ट के 3 upon 8 दिस इज फ्रैक्शन ना. हियर 3 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर. इन सेम वे यू कैन सॉल्व
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी सी डी एंड आई टू एच, ठीक है, यानी आप लोग एच तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, यानी शेडेड पोर्शन को जो रिप्रेजेंट किया है उसी का फ्रैक्शन हमें लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक अ फिगर, ठीक, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके, 1 2 3 1 2 3 ठीक है, इसको से लिख दिया, ठीक है, ध्यान से लिखिए आपको। ये सेकेंड एक क्वेश्चन है, ऐसे कुछ फिगर दिया रखा है, ठीक है, उसका सब पार्ट एक रेक्टेंगल दिया है, उसका सब पार्ट क्या किया है, शेड कर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, यानी शेडेड पोर्शन का आप लोग फ्रैक्शन राइट कीजिए। तो टोटल जो हमारा फिगर है 1 है, ठीक है, टोटल फिगर हमारा कितना है 1 है, ठीक है, और शेडेड पोर्शन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल फिगर का 1/8 पार्ट क्या है, टोटल फिगर का 1/8 पार्ट हमारा क्या है, शेडेड है, और ये जो 1/8 होगा ये हो जाएगा शेडेड फ्रैक्शन, ये जो 1/8 होगा आपका शेडेड फ्रैक्शन होगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री से दैट सेल द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, यानी अब इसको शेड करना है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री से है सेट द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस, क्वेश्चन सेट है सेट द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ फिगर, ओके, 1/4 यानी 1/4, ठीक है, सॉरी सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी सी क्वेश्चन नंबर टू, सी क्वेश्चन नंबर टू, thank you.
क्वेश्चन सेट है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, यानी शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन हमको करना है, ठीक है। यानी कितना टोटल पोर्शन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी टोटल पोर्शन कितना है, 18 है। टोटल पोर्शन कितना है हमारा, टोटल पोर्शन हमारा 18 है, ठीक है। और कितना इसमें से शेयर हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे करते हैं तरीका समझ, टोटल जितना पोर्शन होगा उसको डिवाइड करेंगे, अगर उसमें लिख देंगे नहीं, टोटल पोर्शन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी टोटल जो पोर्शन होगा उसको डिवाइड करेंगे, अगर उसमें लिखेंगे ठीक है, एंड जितना शेडेड पोर्शन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसको डिवाइड करना, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे करेंगे, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 4, सेट द पोर्शन रिगार्डिंग टू द इवन फ्रैक्शन, उसी का आपको ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेट द पोर्शन रिगार्डिंग टू द इवन फ्रैक्शन, ये को ही देख लेते हैं। थ्री अपान एट क्या कर रहा है, 3/8, देखो टोटल कितने पास है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिनोमिनेटर लिख दिया है। अब कितना पास सेट करना है आपको, 3 पास, ठीक है, इसका 3 पास सेट करना है, तो कोई सेट कर दो, कोई भी 3 पास आपको सेट कर देते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं पास सेट करना है, इसको सेट कर दो, इसको सेट कर दो, आप लोग कार्डिनल भी सेट कर सकते हो, इधर उधर भी सेट कर सकते हो, यानी कोई भी 3 पार्ट आप लोग इसके टोटल 8 पार्ट से कोई भी 3 पार्ट आप लोग सेट कर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शन बताना था टोटल स्टेडेड पोर्शन का, टोटल पार्ट हम लोग काउंट करके डिनोमिनेटर के रूप में लिखते थे, फिर जो स्टेडेड स्टेडेड पार्ट थे उसको न्यूमरेटर के रूप में लिखते थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेट द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, यानी गिवन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप सेट कीजिए, यानी जो गिवन फ्रैक्शन हमारा है 3/8 है, यानी 8 मींस फिगर का टोटल पार्ट और स्टेडेड पोर्शन कितना करना है आपको, 3 करना है, 3 पार्ट क्या कर दिए सेट, इन दिस वे यू कैन सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 7 आवर, यानी 7 आवर, 7 आवर्स एक डे का कौन सा फ्रैक्शन होगा, ठीक है, इन वन डे लिखेंगे, वन डे इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 7 आवर्स, द फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 7 आवर्स इज इक्वल टू 7/24, यानी वन डे में कितना आवर होता है, 24 आवर होता है, 24 आवर क्या कहेंगे डिनोमिनेटर, यानी वो पार्ट हो गया ना, टोटल हो गया। अब इसका 7 आवर कितना, कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो 7/24, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट, यानी 15 मिनट्स एक आवर का कौन सा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5,
15 मिनट, दो रखा है क्या 15 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन का व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट, वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, क्लियर। एंड सो द फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, द फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, द फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट इक्वल टू, थोड़ा कितना है 60 है, डिनोमिनेटर के रूप में लिख दो, ठीक है, और क्या हो गया 15 मिनट, ठीक है। चलिए सी नेक्स्ट क्वेश्चंस, डेविड बॉट 1 डजन टॉफी, डेविड बॉट क्वेश्चन 6 रेड है, डेविड बॉट 1 डजन टॉफी, ई ए 1/3 ऑफ देम, ठीक है, हाउ मेनी टॉफी आर लेफ्ट, हाउ मेनी टॉफी आर लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डेविड बॉट टॉफी, डेविड बॉट टॉफी इक्वल टू 1 डजन, ना ये दो है, 1 डजन इक्वल टू 12 थिंग्स, 1 डजन इक्वल टू 12 थिंग्स, then 1 into 12 काफी ना, क्लियर। डेविड कितना खरीदा है काफी, 12 काफी खरीदा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेविड एट किया है ना, एट 12 into 1/3 क्यों, टोटल काफी का 1/3 बार एट कर दिया, नहीं खा गया है, 12 into 1/3 3 1 3 4 12, यानी 4 काफी क्या किया है, ठीक है। हाउ मेनी काफी आर लेफ्ट, टॉफी आर लेफ्ट इक्वल टू 12 - 4 यानी एट, कितने टॉफी लेफ्ट हुए हैं, एक टॉफी लेफ्ट हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर सेम से है, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, अभी स्टार्टिंग में हम आपको बताए हैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, 1/6 ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ नंबर लाइन, वी आर राइट 1, 2, 3 - 1 - 2 - 3, एंड नाउ वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 विद इन 6 इक्वल पार्ट, ना बिकॉज योर डिनोमिनेटर इज 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हियर वी राइट 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 means 1, only 1 and I am here, the representation of 1/6 is, and this 1, okay,
in this way, you can represent the remaining part of question number 7. Question 8, represent 1 upon 10, 3 upon 10, 5 upon 10, and 10 upon 10 on number 9. Next, we study about type of fraction.